राजस्थान पुलिस की अनुमानित कट ऑफ जो आपके सभी के इसके अंदर मैं पेश कर रहा हूं, जो 2024 का जो सीबीटी एग्जाम हुआ है इस सभी के लिए, तो शानदार तरीके से आप देख लीजिएगा। आपके इसके अंदर मान के चलिए जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो मेल कैंडिडेट है, इन कैंडिडेट के लिए 150 नंबर का जो आपका टोटल पेपर हुआ, 150 क्वेश्चन थे, 185 मार्क्स थे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो अब इसके अंदर दो शिफ्ट का तो एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो इसके अंदर आपका दो शिफ्ट के अनुसार देखें तो बाकी शिफ्ट भाई इस टाइप की आएगी, ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि डिफरेंट रहेगा। अब ऑनलाइन एग्जाम है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर ज़्यादा पेपर का लेवल सिंपल था, इसका बाद में था, इसका कम था। तो ये तो आपको 10 दिन बाद में आपको साइट के ऊपर पेपर अपलोड मिलेंगे, तब आप देख पाओगे। अभी तो मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई विद्यार्थी 150 में से, मेरा मानना ये है, यहाँ पे मेरा मानना ये है 85 से ज़्यादा नीचे चला जाएगा, यहाँ से 90 से 95 किसी के बन रहे हैं। तो ये जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट यहाँ पे सेफ कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, 90 से 95। वहीं आपका फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर है तो वहाँ यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपके, यहाँ पे आपका 3 नंबर आप मान के चलिए कम कर लीजिए, यहाँ पे 87 से यहाँ पे 92 नंबर यहाँ पे कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब इसके अंदर ओबीसी की मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आपका सेम टू सेम जाएगा, 1 नंबर कम हो तो संभावित है हो जाए, बट मुझे नहीं लगता। पीछे की कई वैकेंसीज की आप कट ऑफ देखेंगे, सीईटीज की भी आप कट ऑफ देखेंगे तो इनमें भी आपकी कम नहीं हुई, ठीक है। इसके अंदर जनरल और ओबीसी दोनों के लिए आपकी 90 से 95 ही इसके अंदर रहने की संभावना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम आप नोट कर सकते हैं, यही आपके कट ऑफ जो आपके देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर एससी के अंदर, एसटी के अंदर कुछ ऐसी, मैंने पिछले काफ़ी दिन से जो कट ऑफ देख रहा हूँ सीईटी की लिस्ट आई उन्हीं के अनुसार, और कुछ अदर स्टेट के, कुछ सेंटर की वैकेंसी को सभी के अंदर देख पा रहा हूँ, आजकल का ट्रेंड ये चला हुआ है एसटी की कट ऑफ ऊपर जा रही है, एससी की नीचे जा रही है। अब एसटी की ऊपर जाने का मुझे समझ में नहीं आया, मीणा कैंडिडेट जो आपके हैं काफ़ी बड़े अधिकारी भी हैं, मैं हर जगह देखता हूँ, हमारी गाँव की स्कूलों में देखे तो मीणा टीचर ज़्यादातर लगे हुए हैं, तो ऐसे में लग रहा है बड़ी वैकेंसीज के लिए, छोटी वैकेंसी के लिए, सभी के लिए आप एसटी के कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ने लगे, एसी के इतने इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा एसटी की कट ऑफ हाई जा सकती है। अब एसी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका यहाँ पे मैं ले आता हूँ एसी के लिए आपकी यहाँ पे 75 से 78 या 80 मान के चलिए, 75 से 80 आप मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ 80 के लिए, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के 3 नंबर में कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे हो सकता है कई बार 5 से 7 नंबर का भी कम फर्क पड़ जाए, तो यहाँ पे 70 से आप 75 नंबर फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो और एससी की बात करूँ, ये एससी की बता दी मैंने, एससी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, यहाँ पे मैं 78 से आप यहाँ पे रख सकते हो 83 तक, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 75 से आप ले सकते हो 80 तक, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए डाटा ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए आप 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, इनसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आजकल के ट्रेंड के अनुसार देखते हो ना, तो इसके अंदर ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सेम जा रही है, ईडब्ल्यूएस की एकाध नंबर ही फर्क पड़ रहा है, एकाध नंबर ही कम आ रहा है, कई कई ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की सेम ही कट ऑफ जा रही है, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर कम करूँगा, 90 से यहाँ पे 2 कम कर दूँ मैं तो 88 नंबर यहाँ पे लेता हूँ मैं, 88 से यहाँ पे मान के चलिए 88 से यहाँ पे आपकी 92 नंबर या 93 नंबर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पे आपकी 85 से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 85 से यहाँ पे मान के चलिए आप 90 तक किसी विद्यार्थी है फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस तो इनका हो सकता है। एमबीसी की बात करूँ तो काफ़ी कम जाता है, एमबीसी की एसटी के लगभग बराबर ले जाता हूँ, हाँ एमबीसी का एसटी के बराबर ले जाता हूँ मैं यहाँ पे 80 से 85 यहाँ पे एमबीसी का रख सकता हूँ, जिसके अंदर एमबीसी के कैंडिडेट भी इसके अंदर काफ़ी यहाँ पे 75 से 80 फीमेल कैंडिडेट के लिए ले सकता हूँ। ये मेल और फीमेल के लिए मैं अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ, पूरा डिटेली वीडियो में लेकर आऊँगा बहुत जल्दी, लेकिन इसके अंदर जो मेल और फीमेल का आंकड़ा ये अनुमानित कट ऑफ है आप सभी के लिए,
काफी सारे विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं सर इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए मैंने आपको बताई है और ये आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए बताई है। तो इसके अंदर आपको उम्मीद करता हूँ ये आपकी कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है आप सभी के लिए, यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको मैंने ये चीज़ें भी बताई, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्या नहीं भरे गए, ये सारी चीज़ें मैंने